हम बात कर लेते हैं पहले सिलेबस के बारे में कि हम जूलॉजी के सिलेबस में क्या पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वालों का, ठीक है। आप इसको प्ले स्टोर, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी देख सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स हैं पुराने। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जो टोटल मार्क्स का पेपर आता है वो 100 मार्क्स का होता है, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हमें चाहिए होते हैं वो 36 टोटल मार्क्स चाहिए होते हैं। सारे आपके तीनों पेपर्स 3 घंटे के होते हैं, ठीक है। हर पेपर 33 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें से आपको टोटल पहला और दूसरे पेपर में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, आपको पहला जो पार्ट आता है, ठीक है, पहले पार्ट में कोई भी पेपर 2 इकाइयों में होता है, एक भाग एक और एक भाग दो। तो भाग एक में क्या होता है, पार्ट भाग एक में, उसमें आपको छोटे लघु प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 में 9 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भाग 2 में आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। इसमें से क्या होता है, आपको हर एक सेक्शन में से, इसमें सेक्शन बी पार्ट 2 से, भाग 2 से आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और हर एक सेक्शन से, सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 1, सेक्शन सी से 1 1 करना होता है। बाकी आप किसी भी सेक्शन में से कोई भी 1 क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पेपर 3 की बात करते हैं, तो जो सेक्शन भाग 1 में हमें 9 क्वेश्चन आए थे, वही भाग 1 में हमको 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं, हमें वो एक शब्द या एक वाक्य में उनका उत्तर देना होता है। बाकी पूरा पेपर सेम होता है। सेक्शन 2 में आपको, भाग 2 में आपको आते हैं 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। देखिए आपका जो पेपर होता है, ठीक है, इसमें पार्ट 1 में क्या होता है, इन दोनों में जिसमें 33 33 नंबर के, इसमें 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसका आपको आंसर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना होता है, ठीक है। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में होते हैं आपके 3 सेक्शन, ए बी और सी, 3 सेक्शन, तीनों में से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, ठीक है। और जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके, टोटल इसमें से आते हैं आपके 9 क्वेश्चन, ठीक है, 9 क्वेश्चन, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इनमें। इसमें से आपके पास 3 का ऑप्शन होता है, आप कोई भी 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद इन सब में से कोई भी आप 1 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दीजिए, ठीक है। और इन 3 क्वेश्चन को मिला के आपके टोटल हो गए 4 क्वेश्चन, जो कि आपको पार्ट 2 से करने, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 नंबर, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ऊपर के जो होंगे वो आपके होंगे 1 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप 1 नंबर के हिसाब से देंगे। अब हम बात करते हैं आगे के सिलेबस की, ठीक है। देखिए पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, बायोसिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है प्राणी विविधता तथा उद्विकास, बायोस्टैटमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। इसमें क्या क्या है आपका, वर्गी के सामान्य सिद्धांत,
एवं वर्गीकरण का आधार, ठीक है, इंटरनेशनल कोड है नॉमिनक्लेचर का, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन कॉर्डेट तथा कॉर्डेट की वर्ग की एवं वर्गीकरण का आधार, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉर्डेट्स, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स, टेक्सोनॉमी एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो हम देखेंगे नॉन कॉर्डेट तथा कॉर्डेट की वर्ग की एवं वर्गीकरण का आधार, नॉन कॉर्डेट प्रारूपों का विस्तृत वर्गीकरण, स्वभाव, वास स्थान एवं बाह्य लक्षण। फिर हम देखेंगे कॉर्डेट्स प्रारूपी का विस्तृत वर्गीकरण, स्वभाव, वास स्थान एवं बाहरी लक्षण, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर, ठीक। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे सारे फाइलम्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से फाइलम हैं, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी। तो फाइलम क्या, सबसे पहले आता है प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फ्लैटे हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, एनेलिडा, ठीक है। तो हमारे टॉपिक में एनेलिडा तक। अब हम इनके बारे में देखेंगे, ये इनका निवास कहाँ होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, ये लोकोमोशन, ये चलते कैसे हैं, ठीक है, इनके पास ऑर्गन और सिस्टम क्या होता है, ये डाइजेशन कैसे करते हैं, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, इनका श्वसन तंत्र कैसा होता है, इनका तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, इनमें जनन की क्या विधि होती है, और इनका लाइफ साइकिल यानी जनन चक्र, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में हमें क्या क्या पढ़ना है, अमीबा पढ़ना है, एंट अमीबा पढ़ना है, पैरामीशियम पढ़ना है, यूग्लिना के बारे में जानना है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र देखना है, ट्रिपैनोसोमा और लेशमेनिया, ठीक है। इसमें हम प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को अच्छे से पढ़िएगा, ये पूछा जाता है, ठीक। एंड अमीबा का भी पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। अब हम आते हैं पोरीफेरा में, पोरीफेरा में हमें क्या क्या पढ़ना है, साइकोन और ल्यूकोसिनोनिया। हम पोरीफेरा में नाल तंत्र के बारे में ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोरीफेरा में नाल तंत्र कैसे होता है। आगे हम आते हैं सीलेंट्रेट में, सीलेंट्रेट में हम ओबेलिया और ऑरेलिया के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं सेक्शन सी में, इसमें हमको पढ़ना है स्टीनोफोरा में बिरोए के बारे में, प्लेटे हेलमेंथिस में फेसियोला हिपेटिटिका और टीनिया सोलियम के बारे में, एस्का हेलमेंथिस में स्कैरिस के बारे में, ड्रैंकुनुलस के बारे में, और वाउचेरिया, वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस से क्या होता है, एलिफेंटाइटिस या हाथी पाव की बीमारी। एनेलिडा में हम पढ़ेंगे नीरिस और लीच के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पेपर टू में, पेपर टू है आपका सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का, ठीक है। पेपर दो है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए सेल बायोलॉजी में हमको देखना है कि इंट्रोडक्शन टू सेल, कोशिका से परिचय, ठीक है। इसमें हमें देखना है कोशिका से परिचय, ठीक है, कोशिका से परिचय, कोशिका का दिखने में कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है, शेप आकार क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। बेसिक आइडिया हमें लेना है विषाणु वायरस के बारे में और कोशिका के सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, कोशिका झिल्ली के, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि सिंगर निकोलसन ने दिया था, और फिर हम पढ़ेंगे यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के बारे में।
फिर हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्यविका जालिका के बारे में, राइपोसोम के बारे में जिसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे गॉल्जी बॉडी के बारे में यानी कि गॉल्जी काय के बारे में, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, उनकी संरचना साथ के साथ उनके डायग्राम, ठीक है। संरचना, स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी कि संरचना और कार्य। संरचना तथा कार्य के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल, सीलिया, पक्षमाप, कशाब, माइक्रोविलाय और साइटोस्केलेटन एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर, सेक्शन बी में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस में आ जाता है केंद्रक के बारे में, ठीक है। केंद्रक के बारे में, केंद्रक का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना रचना तथा कार्य के बारे में, ठीक है, कार्य के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आ जाता है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, डीएनए की संरचना, ए बी और जेड प्रकार के डीएनए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आरएनए की संरचना और कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। डीएनए से आरएनए कैसे बना और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। फिर हम देखेंगे टिप्रेट कोड यानी आनुवांशिक कोड के बारे में। आगे हम देखते हैं सेल्स इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इंटरफेज न्यूक्लियस, सेल साइकिल, एस जी वन जी टू एम फेज के बारे में, माइटोसिस और मियोसिस कैसे होता है, ठीक है। गुणसूत्र के बारे में भी इसमें हमको पढ़ना है, साथ के साथ हम गुणसूत्री संगठन के बारे में भी इसी में पढ़ाई करेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन सी में, अब हम आते हैं सेक्शन सी में जिसमें हमको पढ़ना है जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में, ठीक है। इसमें हम देखते हैं मेंडल ने क्या क्या काम किया था, मेंडल के काम के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें क्रोमोसोम म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम म्यूटेशन के बारे में, क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या है, इसमें हम देखते हैं जीन की संरचना में कैसे परिवर्तन आया है, ठीक है, उत्परिवर्तन कैसे हुआ है, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन के बारे में, ठीक है। रूपांतर, कैसे कि रूपांतर होते हैं क्रोमोसोम के नंबर में, उसको हम कहते हैं हैप्लॉयडी, डिप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी, यूप्लॉयडी और पॉलीजोमी।
फिर हम बात करते हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है। फिर हम देखते हैं आनुवांशिक के डिसऑर्डर, जिसमें हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की, टर्नर की, क्लिफेंटर सिंड्रोम की, कलर ब्लाइंडनेस की, हीमोफीलिया की, फिनाइल ट्यूरिया की। फिर हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जीन, ठीक है। जीन के बारे में हम देखेंगे, जिसमें आता है रेकॉन, न्यूटॉन और सिस्ट्रॉन। हम मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी देखते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की, आरएच फैक्टर की और उसके सिग्निफिकेंस। इसके बाद आते हैं हम तीसरे पेपर में, जो कि है गेमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी कि युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी। युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी, ठीक है। इसके सेक्शन ए में हम आते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल रिव्यू, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण की का इतिहास एवं उसके प्रकार के बारे में। दूसरा क्या है, हम पढ़ेंगे जो गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है। निषेचन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनिषेक जनन के बारे में, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। आ जाते हैं हम सेक्शन बी में, जो कि है डेवलपमेंट बायोलॉजी पैटर्न और प्रोसेस। सबसे पहले हम जो इसमें देखते हैं वो है क्लीवेज, यानी कि विदलन की क्रिया। विदलन, ठीक है। विदलन देखते हैं, हम देखते हैं विदलन की परिभाषा क्या होती, कितने प्रकार से विदलन होता है, ठीक है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स में, और विदलन का महत्व क्या है। उसके बाद हम ब्लास्टुलेशन और देखते हैं मोरूला का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में, यानी कि गैस्ट्रुला गैस्ट्रुला भवन के बारे में, ठीक है। गैस्ट्रुला भवन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं भ्रूणी प्रेरणक प्राथमिक संगठन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, यानी भ्रूणी प्रेरण प्राथमिक संगठन। उसके बाद विभेदीकरण और सामर्थ्य, ठीक है। फिर हम देखेंगे चूजे में डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू 96 आवर्स, चूजे का परिवर्धन की अवस्था, ठीक है। फिर आते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक, यानी कि चूजे की अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ क्या होती हैं।
ठीक है, प्लेसेंटेशन इन मैमल्स यानी कि हम बात करेंगे स्तनधारियों में अपरा की। फिर हम आ जाते हैं रीजनरेशन में, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्भव। भवन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम स्टेम, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स एंड देयर एप्लीकेशन। फिर हम बात करेंगे स्तंभ कोशिकाओं की, स्टेम कोशिकाओं की और उनके उपयोग के बारे में, ठीक है। फिर हम देखते हैं जंतुओं की क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, हम जंतुओं के क्लोन किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, क्लोन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे टेट्रोजेनेसिस, ठीक है। टेट्रोजेनेसिस में हम बात करते हैं विरूप जनन की, ठीक है। विरूप जनन की फिर हम देखेंगे एजिंग के बारे में, बायोलॉजी ऑफ एजिंग और सेल की डेथ। बायोलॉजी ऑफ एजिंग यानी जीवड़ता जैविकी का संक्षिप्त विवरण, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या देखना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का हम उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम स्लाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी स्लाइड का, ठीक है। कौन कौन से फिक्सेटिव यूज करते हैं, कौन कौन से स्टेन्स यूज करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। फिर हम आते हैं कलेक्शन एंड कल्चर मेथड, कैसे हम जीव जंतु या सूक्ष्म जंतुओं का कलेक्शन करते हैं वहाँ से जहाँ पे वो नेचुरल अपने हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लीना, डेफनी एंड साइक्लॉप्स, ये हमें पानी में मिल जाएंगे। फिर हम कल्चर करेंगे पैरामीशियम का लैब में, फिर उसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं और बिहेवियर देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड म्यूजियम स्पेसिमेन। हम स्लाइड्स देखेंगे साथ के साथ स्पेसिमेन देखेंगे और उनके फीचर्स के बारे में नोट डाउन करेंगे। तो प्रोटोजोआ में आता है आपका अमीबा, यूग्लीना, ट्रिपेनोजोना, जियार्डिया, एंटामीमा, एल्फीडियम। पॉरीफेरा में आपके हैं ल्यूकोसलीना, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला। टीएस देखते हैं हम साइकॉन का, स्पिक्यूल्स देखते हैं, स्पंजिन टिश्यू देखते हैं, जिम्यूल्स देखते हैं। सीलेंट्रेटा में आता है हमारा मिलीपोरा, फाइसेलिया, वेलेला, ऑरेलिया, एल्कोनियम, जॉर्जनिया, ठीक है। टीनोफोरा में हम किसी भी टीनोफोर की बात करते हैं। अब हम बात आते हैं प्लैटेहेलमिंथिस में, जिसमें हम बात करेंगे टीनिया की, प्लेनेरिया की, फेसियोला की, ठीक है। इसके बारे में टीएस देखेंगे मैच्योर प्लोगोटिस, टीनिया का, ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ठीक है, और सिस्टीरिशस लार्वा। एस्केलमेंथिस में हम एस्केरिस का देखते हैं, बाउचेरिया देखते हैं और ड्रेनिकुलस देखते हैं। एनेलिडा में हमारा नीरिस आ जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं एनेटॉमी यानी कि अंदर का एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, कैसा अर्थवॉर्म दिखता है, ठीक है। फिर हम उसकी परमानेंट, हमारे पास स्लाइड प्रिपरेशन भी है। पहले हम एनेटॉमी की बात करते हैं, इसमें है आपको अर्थवॉर्म यानी कि केचुए का आपको एक्सटर्नल फीचर्स देखना है, जनरल विसरा, एलिमेंट्री कैनाल और जनन तंत्र देखना है और तंत्रिका तंत्र देखना है। साथ के साथ हम इसमें लीच का भी देखेंगे, ठीक है। अर्थवॉर्म का देखेंगे और हम देखेंगे लीच का यानी कि जोक, ये है। चूहे का
और यहाँ देखेंगे हम जोक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, परमानेंट स्लाइड बनाएंगे, किसकी, पैरामीशियम की, यूग्लिना की, स्पंजन स्पिक्यूल की, स्पंजन फाइबर की, ठीक है, जेम्यूल, हाइड्रा, ओबेलिया की कॉलोनी, मेड्यूसा की, नीरस की, ठीक है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं, देखिए एक्सरसाइजेस सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं। सेल बायोलॉजी में हम देखेंगे स्क्वैश प्रिपरेशन फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस, हम माइटोसिस देखेंगे ओनियन की यानी कि प्याज की रूट से, ठीक है, जड़ से हम देखेंगे माइटोसिस की क्रिया और उसके हम अलग अलग फेज की बनाएंगे परमानेंट स्लाइड, ठीक है। फिर हम देखेंगे मियोसिस की क्रिया ग्रास ऑपर और कॉकरोच की टेस्टीज में और परमानेंट स्लाइस ऑफ मियोसिस, ठीक है। फिर हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड में ड्रोसोफिला की, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स में देखिए लाइफ साइकिल एंड आइडिया अबाउट ड्रोसोफिला, ठीक है, हम मेल और फीमेल, नर और मादा को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, वाइल्ड को और म्यूटेंट को हम कैसे पहचानते हैं। फिर हम परमानेंट स्लाइड्स देखेंगे सेक्स कॉम सलाइवरी ग्लैंड की, ठीक है, हम आइडेंटिफाई कैसे, अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो हम ये करेंगे कि हम ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या फिर आप आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव है, ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना है, ठीक है। फिर हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में आ जाते हैं, इसमें हम क्लीवेज ब्लास्टुला देखते हैं, फ्रॉग का, मेंढक का, ठीक है, चार्ट से, स्लाइड से या फिर मॉडल से कि वो कैसा दिखता है, अंडे कैसे होते हैं, क्लीवेज कैसा होता है, ब्लास्टुला कैसा होता है, विदलन की क्लिया कैसी होती है, टैडपोल उसका लार्वा कैसा होता है, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे चार्ट और स्लाइड की या फिर मॉडल्स की मदद से 18 घंटे का भ्रूण कैसा दिखता है, 21 का, 24 घंटे का, आखिर 72 घंटे का, हम कैसे देखते हैं कि अलग अलग स्टेजेस पे भ्रूण कैसा दिखाई देता है, ठीक है, ये हमको देखना है। बाकी हम झिल्लियाँ देखेंगे भ्रूण की कितने, 10 से 12 दिन में एम्ब्रियो में कौन कौन सी झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो आपको समय मिलता है प्रैक्टिकल के लिए वो है 4 घंटे का और जो मिनिमम पार्क्स चाहिए होते हैं वो है आपके 18 नंबर 50 में से, ठीक है। एनाटॉमी किसी की भी आएगी, एक स्लाइड प्रिपरेशन आएगी, सेल वैल और जेनेटिक से दो दो चार चार नंबर के आएंगे, डेवलपमेंट बायो से 6 नंबर का आएगा, आइडेंटिफिकेशन आपको स्लाइड दे दी जाएंगी या फिर आपको सैंपल्स दे दिए जाएंगे, आपको स्पॉट करने हैं उसके बारे में टिप्पणियाँ लिखनी है 1 से 8 तक जो कि आएगा 16 नंबर, फिर आपका वाइवा होगा जो कि 5 नंबर का होगा और जो आप प्रैक्टिकल 5 बनाएंगे 5 नंबर की होगी, टोटल हो गए आपके 50 नंबर, ठीक है। तो ये है आपका पेपर और प्रैक्टिकल का पैटर्न, ठीक है, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे।